भारतीय जनता पार्टी विधायक दल ने कल रायपुर में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को ज्ञापन सौंपकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ हुए निर्वस्त्र प्रदर्शन की घटना पर संज्ञान लेकर राज्य सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। भाजपा की ओर से ज्ञापन में राज्यपाल से प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की गई है। भाजपा विधायक दल ने कहा है कि विधानसभा मार्ग पर युवाओं द्वारा किए गए प्रदर्शन की इस घटना ने छत्तीसगढ़ को शर्मसार किया है। इससे पहले भाजपा विधायक दल ने कल रायपुर के अंबेडकर चौक पर एकत्र होकर राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की और वहां से पैदल मार्च करते हुए राजभवन पहुंचे। राज्यपाल को दिए गए ज्ञापन में प्रदर्शन के लिए गिरफ्तार किए गए युवाओं की तत्काल निःशर्त रिहाई की मांग भी की गई है। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि इस मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने इस तरह की घटना को सरकार की नाकामी का कारण बताया। लगातार वर्षों से संघर्ष करते करते ये अपनी मांग को करते रहे और आज उसका एक विस्फोट के रूप में देखने को मिला कि आज ये सारे के सारे लोग सड़क पे उतर आए। उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, सरकार हाथ में हाथ धरे बैठी रह गई, कोई कदम उठाने में असफल रही। इसी बात को लेकर आज महामहिम गवर्नर से हमने कहा इस विषय में पूरी रिपोर्ट भी बुलाएं और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए सरकार को तत्काल लिखें और इन बच्चों को जबर जेल के अंदर ठूसा जा रहा है, इनके साथ मारपीट किया जा रहा है, उसको तत्काल रोका जाए। आज तक छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद आज 23 साल से ऊपर हो गए, कभी ऐसा दृश्य नहीं आया और इसलिए इस भूपेश बघेल की सरकार को, कांग्रेस की सरकार को अगर जरा भी नैतिकता इनमें है तो एक मिनट भी अपने पद में रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। आज महामहिम से हम लोगों ने मिलकर के निवेदन किया है, उनको पूरी विस्तार से जानकारी दी है, उनको हमने ज्ञापन दिया है इस आशय का और हमने विनम्र आग्रह किया है कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भूपेश बघेल की सरकार को, कांग्रेस सरकार को भंग करने की सिफारिश वो करे क्योंकि यहाँ अराजकता का माहौल है। राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने गए भाजपा विधायक दल में ब्रिजमोहन अग्रवाल, धरमलाल कौशिक और शिवरतन शर्मा सहित अन्य विधायक शामिल थे।